जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चेन्नई से रामेश्वरम की यात्रा के दौरान आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए कि यूट्यूब के ग्लिच के कारण ऑडियो मिसमैच हो गया है, जिसके कारण आज ये करेक्शन वीडियो आप लोग के सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं आपको पूरा रामेश्वरम घुमाने वाला हूँ, केवल पामन ब्रिज ही नहीं, पूरा रामेश्वरम आप मेरे साथ घूमने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जो लोग जर्नी के प्रथम पार्ट को देखना चाहते हैं, पार्ट वन को देखना चाहते हैं, ताकि आप लोग सीख सकें कि चेन्नई से रामेश्वरम कैसे पहुँचे, कौन सी ट्रेन बेस्ट रहेगी, वो लोग मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी रामेश्वरम को चलिए इस पार्ट में डिटेल में एक्सप्लोर किया जाए। दोस्तों, ये है प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर, यानी रामनाथ स्वामी जी का मंदिर, हमारे शिव भगवान का मंदिर, जिसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में द्वार हैं। हमने इस मंदिर के फेरे लगाए और मान्यता ये है कि भगवान राम जब श्रीलंका से रावण का वध करके लौट रहे थे, तो उन पर ब्राह्मण हत्या का दोष था, जिससे निवारण पाने के लिए उन्होंने शिव भगवान की यहाँ पे पूजा की। आज भी यहाँ पे 22 कुंड हैं, जिसपे मान्यता ये है कि जब लोग नहा लेते हैं उन 22 कुंड में, उसके बाद जा करके उनके जो दर्शन हैं वो पूर्ण होते हैं, उनके पाप हैं वो धुल जाते हैं, और लोग यहाँ आकर के इस पावन समुद्र के दर्शन करते हैं और यहाँ पे स्नान भी करते हैं और फिर अपनी वापसी के सफ़र को पूरा करते हैं। यहाँ अगर आप भी पहुँचेंगे तो आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। यहाँ ऐसा वातावरण है कि जिससे आपका मन खुश हो जाता है और आपको लगता है कि आप किसी ऐसी जगह आ गए हैं जो आपको बहुत ही शांति दे सकती है। ये है दोस्तों रामेश्वरम आइलैंड को, यानी रामेश्वरम द्वीप को इंडिया मेनलैंड से जोड़ने वाला पामन पुल, जिसमें आज मैं आप सबको एक सफ़र दिखाने वाला हूँ जो पिछली बार आप लोगों से मिस हो गया था। ये जो पुल है लगभग 2.5 किलोमीटर का है, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। छोटी नावें तो कुछ इस तरीके से पार कर लेती हैं, लेकिन बड़ी नाव के लिए इस ब्रिज को बीच से खोला भी जाता है। ये है पामन का खूबसूरत रेल ब्रिज। केवल इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए मैं भारत के सबसे आखिरी हिस्से यानी धनुषकोडी तक भी पहुंचा, जो कि 1964 में आए हुई सुनामी के बाद तबाह हो गया था। दोस्तों, हम हैं धनुषकोडी में, यहाँ से दूर दूर तक केवल समुद्र ही समुद्र है, क्योंकि ये भारत का लास्ट लैंड है, और इस तरफ एग्जैक्टली सीधा देखेंगे ना तो वहाँ पे श्रीलंका बॉर्डर है, और हम हैं अब इंडिया के लास्ट लैंड में, और इसके आगे इंडिया का जो मैरिटाइम बॉर्डर है वो शुरू होता है। दोस्तों, फाइनली आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन में, धनुषकोडी के रेलवे स्टेशन में, जो कि 1964 में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पानी की टंकी जो है वो यहाँ पे मतलब पूरी उजड़ चुकी है, और पीछे स्टेशन का भी ये हाल है। ये हो सकता है रेलवे ट्रैक रहा उस ज़माने का, यहाँ पे जैसा मुझे देख के लग रहा है यही रेलवे ट्रैक जो है वो रहा होगा। कोई भी उस बड़े हादसे से बच नहीं पाया था, स्टेशन मास्टर से लेकर रेलवे का पूरा स्टाफ, ट्रेन में जितने यात्री थे सभी लोगों को बहाकर ले गई थी वो सुनामी। बहुत ही मतलब भयानक मंजर था 1964 का, और आज भी ये गांव से अभी उबर नहीं पाया है। हम सभी का दुर्भाग्य है कि उसके बाद से ट्रेनों ने यहाँ आना बंद कर दिया, ट्रेनें केवल रामेश्वरम तक ही अब चलती हैं। पहले रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, केवल ट्रेन्स की कनेक्टिविटी थी, और जो सामान वगैरह श्रीलंका भेजना होता था उसी ट्रेन में लाद करके 3-4 बोगी एक्स्ट्रा अटैच करके लाया जाता था यहाँ पे। अब रोड कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन हो गई, आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी जो ट्रेन्स की कनेक्टिविटी है अब रामेश्वरम से ही है बाकी भारत के लिए, जहाँ से आप ये जर्नी अभी देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सफ़र है मेरा चेन्नई से पामन पुल तक का, ये काफ़ी लाजवाब था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस जर्नी को देखा होगा, क्योंकि इससे आपको ज़रूर मदद मिलने वाली है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चलिए रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन से इस यात्रा को आप शुरू किया जाए। तो गाइस, यहाँ पे अपने दिन की शुरुआत होती है रामनाथपुरम से, जहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है, और अब यहाँ से मंडपम और पामन ब्रिज मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर बचा हुआ है। एक्साइटमेंट जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है। चलिए जल्दी से यहाँ से डिपार्चर देखते हैं, फिर मंडपम और फिर सीधा पामन की ओर मैं आपको ले चलता हूँ, क्योंकि आप भी उसी का इंतजार कर रहे हो, मुझे भी उसी को देखना है।
दोस्तों अब हम लोग जाके पहुँचे हैं मंडपम। इसके बाद ही पाम्बन ब्रिज शुरू हो जाता है और ये आप कह सकते हैं कि ये आखिरी स्टेशन है इंडिया मेनलैंड में, क्योंकि रामेश्वरम जो है वो कि एक आइलैंड है। तो मंडपम के बाद सीधा पाम्बन ब्रिज पार करके हम लोग पाम्बन रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे जो कि एक टापू में स्थित है। अब हम लोग यहाँ पे पाम्बन ब्रिज में एंटर कर रहे हैं और समुद्र देखिए आप बिल्कुल करीब। वाओ, ये होता है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये है भारत का सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत रेल ब्रिज जो कि समुद्र में बना हुआ है। हम हैं पाम्बन रेल ब्रिज में, पाम्बन सेतु में, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, कमाल का एक्सपीरियंस है यहाँ का और जो फील है अलग ही लेवल का है। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है कमाल का है। और 1964 में जब ये रूट कम्प्लीटली मीटर गेज ट्रेन का हुआ करता था ना, तब एक बार पूरी की पूरी ट्रेन बह गई थी यहाँ पे। काफ़ी दर्दनाक हादसा था, कोई भी नहीं बच पाया था उसमें, और यात्रियों से भरी पूरी की पूरी ट्रेन बह गई। धनुषकोडी पूरा जो शहर, मतलब जो पूरा गाँव है वो पूरा पूरा बह गया, जो कि वापस से बस भी नहीं पाया। और उसके बाद से इस ट्रेन को रामेश्वरम तक के लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। और अभी ये ट्रेन रामेश्वरम तक ही चल रही है। पता नहीं फ्यूचर में धनुषकोडी तक ट्रैक पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये नया ब्रिज ज़रूर बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि जिस ब्रिज में अभी हम लोग हैं लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। बहुत ही रंग बिरंगी खूबसूरत सी बोट्स जो हैं सामने इंतज़ार कर रही हैं। मुझे लग रहा है मछुआरों की बोट्स हैं यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत सा आइलैंड लग रहा है रामेश्वरम। और यहाँ पे वो हिस्सा आज का ब्रिज का जो ओपन किया जाता है अगर कोई शिप नीचे से गुजर रही होती है, और यहाँ पे एक्चुअली में गहरा पानी है। ये जो बॉर्डर्स हैं ये मार्क करने के लिए है कि कौन सा हिस्सा गहरा पानी का है, कौन सा नॉर्मल। तो यहाँ देखिए जो पानी का कलर है एकदम डार्क ब्लू। कैसा लगा आपको ये पाम्बन ब्रिज, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। अरे यहाँ हमारे मुरली अन्ना एंजॉय कर रहे हैं व्यू को। कैसा है भाई एक्सपीरियंस? अच्छा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। फियरिंग। तो भाई अन्ना को थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हो कैसा रहा होगा उनका यहाँ का एक्सपीरियंस। जैसा उन्होंने बताया, फियर, फुल फियर, मतलब डर तो खैर लगता है लेकिन ये चीज़ मिस करने का भी मन नहीं करता है। एंड वी आर इन रामेश्वरम आइलैंड। तो गाइस कई लोग के मन में शिकायत होगी कि आपने इंटीरियर नहीं दिखाया, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 टायर का इंटीरियर। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स हर सीट के लिए मिल जाते हैं। सीट्स जो हैं काफ़ी साफ़ सुथरी हैं, हमारी बोट मेल की, काफ़ी ढंग से इसकी मेंटेनेंस की गई है। डेली ट्रेन होने के बावजूद आपको एक अच्छी हालत में मिलेगी,
और आपकी जर्नी जो है यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल इसमें होने वाली है। मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और यहाँ हम पहुँचे पामन रेलवे स्टेशन में, जो कि पहले जंक्शन हुआ करता था, क्योंकि धनुषकोडी की जो लाइन है यहीं से अलग हो जाती थी। गाइज, इसी के साथ अपनी जर्नी को एंड करते हुए एग्जैक्टली 8:20 पे हम लोग आ चुके हैं रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली, और लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी आप इसे कह सकते हो। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो इसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टा डी द ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं अपनी जर्नी अपडेट्स और अपनी लाइफ से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, फोटोज़ हैं, वो शेयर करता रहता हूँ। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी और बहुत सारी थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग जर्नीज में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ ऐसे ही ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।